मैं मनीष वर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में अपनी वीडियो के माध्यम से। मैं और एक नई कंटेंट के साथ आपको लेकर के आया हूँ। ये है यमुना जी वृंदावन की, और हम आए हैं आज केसी घाट पे, जो कि वृंदावन को बहुत ही प्रसिद्ध घाट है और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ संजा हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ भव्य आरती आपको देखने को मिलेगी। देखो आपके सामने भव्य आरती है रही है, भोलेनाथ को मंदिर है, इतना अच्छा और सुंदर भक्तिमय वातावरण आपको वृंदावन में यहाँ देखने को मिलेगा। आज हम आपके प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी बात ना करेंगे भैया, आज कछु हम वृंदावन की ऐसी ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं आपको, जो कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर और पीड़ान के नाम से ही प्रसिद्ध ना है। वृंदावन में कछु ऐसी ऐसी चीज़ भी हैं जो और भी हैं जो आपने अभी तक ना जानी है। मैं आपको कछु या वीडियो के माध्यम से और आप सबन के आशीर्वाद से, बिहारी जी के आशीर्वाद से आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिखावे लाया हूँ। मैं वृंदावन में जमुना मैया की गोदी में आज नाभ में आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हूँ। कछु लोगन की रिक्वेस्ट अति कछु कामना आती हृदय थे कि वृंदावन के बारे में कछु वीडियो बताओ भैया, कछु बनाओ। तो आज मैं आपकी आज्ञा लेते हुए आज आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दिखावे आ गया हूँ। जब वीडियो के समय आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और देखो सामने के जमुना मैया की आरती चल रही है भव्य, और ये भोलेनाथ के भजन चल रहे हैं सुंदर सुंदर, और ये यहाँ पे एक और आरती को यहाँ पे चार पाँच आरती यहाँ हो करें, और ये आपको पीछे का माहौल आपको देख ही रहा है कितना सुंदर और मेंटली पीस वृंदावन की यहाँ पे आपको दिख रही है भक्तिमय वातावरण। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम, जय हो मेरी जमुना मैया, पार लगा दो नैया, तुम ही सबकी रखवैया, जय हो मेरी जमुना मैया, बोल जय जय श्री राधे श्याम। तो भैया देखो आपने वृंदावन में जमुना मैया की गोदी में थे, ये पूरा यहाँ का माहौल आपको बहुत ही अच्छा मजा आया होगा, बहुत ही अच्छा फील भया होगा जा जगह वीडियो के माध्यम से। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा वृंदावन को एक एक कोनो कोनो दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे एक जरूर वादा है। मैं आपको पूरा वृंदावन दिखाऊंगा प्रॉपर्टी के माध्यम से। आदमी प्रॉपर्टी तो वृंदावन में ले लिया, लेकिन प्रॉपर्टी वृंदावन में लेवे के बाद में प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए वृंदावन में, ये भी एक जानना बहुत जरूरी है वृंदावन के लिए। वृंदावन में प्रॉपर्टी लेने से ये फायदा है, इंसान को यहाँ शांति और भगवान की भक्ति ये सब करने का भाग्य प्राप्त होता है। और ये कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ पे कि कछु लोगन ने वृंदावन में जन्म ना लियो तो मरण को यहाँ पे ठाकुर जी के चरणन में थोड़ा सा निवास मिल जाए। तो वृंदावन में भैया आपको प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए, जे तो मैंने आपको बता दियो। वृंदावन के माध्यम से ये है कि यहाँ पे देखो बच्चाएँ आपको यहाँ जमुना जी में नावे में दिख रहे हैं, नाव में खुला वातावरण दिख रहा है, चक आनंदमय यहाँ पे फील है रहा है, प्रसन्नता मिल रही है, बहुत मेंटली पीस मिल रही है। जे आपको फीलिंग वृंदावन में ही मिलेगी, मथुरा में ही मिलेगी, जे आपको कहीं बम्बई में, दिल्ली में, नए बड़े बड़े विदेशन में ना मिलेगी।
दोस्तों जी गारंटी हमारी रही आपसे कि बिहारी जी के दर्शन हम आपको कराएंगे, प्रॉपर्टी हम आपको दिलवाएंगे, आप आओ पर सच्चे दिल से बिहारी जी कुछ आकर के एक बार वृंदावन में बात करो। आगे हमते प्रॉपर्टी वगैरह लेवे के काजे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। आपसे विदा लेते हुए मनीष वर्मा, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम, चकलो दूध में बादाम, नीचे रबड़ी ऊपर आम, तभी मिलेगा वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम। जय हो भैया। तो आपने देखो कितना बढ़िया मजा आया हो, हमारी वीडियो तुम्हें बड़ी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दियो, मत भूलियो जा काम है। हाँ, अब हम जमुना जी के किनारे पे आ गए हैं, पल्ली पार, आनंद ले भाई। देखो रज ब्रज की रज में क्या मंत्र मुख दे रहे हैं हम, और बड़ा आनंद प्रतीत है, बड़ा ही आनंद मजा महसूस है रहो हमें जमुना मैया के किनारे पे आकर के वृंदावन को एक्चुअल फील। अगर ऐसे मजा तुम्हें और लेने हैं तो आओ हमसे संपर्क करो नीचे दिए हुए नंबर पे, प्रॉपर्टी वगैरह हम दिवांगे तुमको, प्लॉट हम दिवांगे आपको, छत्र छाया हम दिवांगे बिहार जी के चरणन में। जरूरी ना है कि प्रॉपर्टी लेनी है तुम्हें, प्रॉपर्टी ना लेनी तो इन नंबर पर संपर्क करो, तो हम तुम्हारी सेवा में तत्पर आ जाए भैया। चिंता करवे की कोई बात ना है, मनीष वर्मा ब्रजवासी वृंदावन से आपके संग हमेशा हाजिर है। कोई भी कैसी भी व्यवस्था वृंदावन में चाहिए तो एक बार जरूर संपर्क करियो भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। बाकी वृंदावन में प्रॉपर्टी आपको ब्रजवास करावे को तो हमने सेवा ले ही रखी है, अगर जो चीज़ के कोई इच्छुक होए तो भैया बिल्कुल हमसे संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पे। और हाँ, चैनल है सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलियो। तो जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। मज़ा आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दियो, फिर कह रहा हूँ जय हो श्री राधे श्याम।